आज के इस सेशन कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी शहीद मक्खन सिंह गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट। आज हम इस सेशन में मैजिकल ट्रिक्स ऑफ एमएस वर्ड सीखेंगे। इसको मैंने मैजिकल ट्रिक्स नाम इसलिए दिया है क्योंकि सभी लोग जब कंप्यूटर में काम करते हैं एमएस वर्ड में तो वो मैक्सिमम काम माउस से करते हैं, बट आज के सेशन में जो आपको मैं सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा कि हम कीबोर्ड की मदद से एमएस वर्ड के अंदर काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू एंटर डमी पैराग्राफ। कि अगर आप एमएस वर्ड में काम करना चाहते हैं, आपको कहा जाता है कि कोई एक पैराग्राफ जल्दी से जल्दी एंटर कर दिया जाए, एक ऐसी आपको कमांड सिखाऊंगा जिससे हम विद इन 2 or 3 सेकेंड एक पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। नंबर 2, हाउ टू सेलेक्ट डाटा वर्टिकली। आप लोग जब माउस से डाटा सेलेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टली करते हो, आज आपको सिखाऊंगा कि वर्टिकली डाटा कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाउ टू सेट लाइन स्पेसिंग यूजिंग कीबोर्ड। आप लोग जब लाइनों में स्पेस सेट करते हो तो वो आप माउस का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कीबोर्ड की मदद से भी लाइन स्पेसिंग कैसे सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाउ टू ड्रॉ Different types of lines in MS Word using keyboard. आप लोग जब MS Word में कोई line draw करते हो तो आप क्या करते हो, mouse का इस्तेमाल करते हो जिससे line draw करते हो, but आज हम सीखेंगे कि अलग अलग तरह की lines भी हम MS Word में कैसे draw कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ how to use bullets and numbering option using keyboard। जब आप अपने program में कोई list बनाना चाहते हो उसके लिए requirement होती है कि bullet और numbering use करनी है, तो वो भी हम सीखेंगे कि कीबोर्ड की मदद से बुलेट्स और नंबरिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं। हमारी आज की सबसे पहली जो ट्रिक है वो है कि हम एमएस वर्ड में एक डमी पैराग्राफ कैसे टाइप कर सकते हैं। मतलब कि बिना कीबोर्ड से कोई पैराग्राफ टाइप किए हुए अगर हम चाहते हैं कि कोई पैराग्राफ टाइप करना है तो क्या करेंगे। कई बार हम क्या करते हैं कि गूगल से डाटा सर्च कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ से डाटा कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एमएस वर्ड के अंदर एक फीचर होता है, कमांड होती है, एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम एक डमी पैराग्राफ एंटर कर सकते हैं। वो जो फंक्शन है उसका नाम क्या है आप नोट कर सकते हो, उसका नाम है RAND। क्या नाम है? RAND। थोड़ा हाईलाइट करके मैं दिखा देता हूँ, इस फंक्शन का नाम है RAND। जब आपने इस फंक्शन को रन करना है तो सबसे पहले आपने इक्वल टू का सिंबल डालना है, उसके बाद लिखना है RAND। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके सामने डम्मी पैराग्राफ बन के नजर आ जाएगा। ये एक इसकी हिडन ट्रिक है। इसी तरह अगर आप चाहते हो, ये तो इसने ऑटोमेटिकली 3 पैराग्राफ्स बना दिए, मैं चाहता हूं कि मैंने क्या करना है, मैं लिखता हूं RAND 2। इसका मतलब है कि मेरे पास 2 पैराग्राफ बनके सामने आ जाएंगे जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा। ये देखो, इस फंक्शन को हम एक और वे से चला सकते हैं। मैं लिखता हूं इक्वल टू RAND 3, 4। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो क्या होगा, मेरे सामने 3 पैराग्राफ बन जाएंगे और हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस होंगे? 4। 4 मतलब 4 लाइनें। एक सेंटेंस का मतलब है कि जब हमारा फुल स्टॉप आगे लाइन खत्म हो जाती है उसका मतलब है कि एक सेंटेंस। अब जी देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा था, RAND 3, 4, तो मेरे पास 3 पैराग्राफ बन गए हैं जिनके अंदर 4 सेंटेंसेस है। Sentence number 1, Sentence number 2, Sentence number 3 और Sentence number 4। ये हमारा हो गया कौन सा फंक्शन? रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन क्या करता है कि अगर हम चाहते हैं कि बिना कहीं से डाटा कॉपी पेस्ट किए हुए डमी पैराग्राफ बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे? RAND फंक्शन। इसी तरह हमारी जो सेकंड ट्रिक है उसका नाम है
हाउ टू सिलेक्ट डाटा वर्टिकली। वर्टिकली मतलब कि अगर हमने डाटा को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट की यूज करके, एरो की को यूज करके डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट और एरो की हेल्प से। ये आप सभी को पता है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ ये जो मिस्टर मिस्टर मिस लिखा है इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो कि डाटा को वर्टिकली सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Alt प्लस ड्रैग, मतलब माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, उसको ड्रैग करना है, लेकिन साथ में क्या करना है आपने, Alt की को प्रेस करके रखना है। ये आप देख सकते हो कि इससे क्या है कि जितना मेरा डाटा है वो वर्टिकली सिलेक्ट हो गया है। फिर देख लीजिए कैसे करना है, पहले Alt की प्रेस करनी है, उसके बाद आपने माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, ये आपकी होगी सेकंड ट्रिक। इसी तरह एक थर्ड ट्रिक है हमारी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है इनके बीच की जो लाइनें हैं उसकी स्पेस को कम करना है या ज्यादा करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करके माउस, और इसके बाद ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे जाके अगर मैं करूँगा 1.5, देखो स्पेसिंग बढ़ गई है। फिर से पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, ये होगी 2। अगर मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ की स्पेसिंग कीबोर्ड की हेल्प से कम या ज़्यादा करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमने डबल लाइन स्पेसिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस 2 की प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस 2। मान लो जी मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट करे हैं, मैं करता हूं कंट्रोल प्लस 2। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस 2 करा तो क्या हुआ, जो लाइन स्पेसिंग है वो डबल होगी। इसी तरह इसमें एक ऑप्शन आता है 1.5 लाइन स्पेसिंग, कि अगर मैं 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड तो क्या करेंगे, अगर हम 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करना चाहते हैं तो मैं करूंगा कंट्रोल प्लस 5। अब मैं सिलेक्ट करके करता हूं कंट्रोल प्लस 5, तो अब जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी रह जाएगी, 1.5। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिंगल लाइन स्पेसिंग चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसके बाद करेंगे कंट्रोल प्लस 1। हाउ टू ड्रॉ लाइंस इन एमएस वर्ड, मींस कि हम एमएस वर्ड में लाइंस कैसे बना सकते हैं। आप बोलोगे कि सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद शेप्स ऑप्शन पे जाएंगे, देन क्लिक करेंगे किसी भी लाइन के ऊपर, आफ्टर दैट हमारी जो लाइन है वो ड्रा हो जाएगी। अगर लाइन की आउटलाइन वगैरह चेंज करनी है, वेट चेंज करना है, उसकी मोटाई वगैरह चेंज करनी है, आप कर सकते हो। बट अगर मैं कहूँ कि हम लाइन ड्रा करना चाहते हैं लेकिन विदाउट यूजिंग माउस, तो क्या हम कीबोर्ड से लाइन ड्रा कर सकते हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे या कुछ लोग बोलेंगे कि मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपके लिए जो ये ट्रिक्स लेके आया हूँ वो बिना माउस यूज किए कीबोर्ड की हेल्प से मैं आपको लाइन ड्रा करना बताऊंगा। सबसे पहला जो ट्रिक है वो है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए जो माइनस का सिंबल होता है इसको मैं 3 बार ड्रा करूंगा। माइनस इन जिसको बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं, इस सिंबल को 3 बार टाइप करूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी, वो आपके सामने है। देखो कि मैंने बिना
माउस को यूज किए कीबोर्ड की हेल्प से तीन बार माइनस का सिंबल डालना है, हाइफन सिंबल डालना है तो आ जाएगा, एंटर की प्रेस करते। आप तीन से ज्यादा भी डाल सकते हो सिंबल, लेकिन तीन से कम नहीं डालने। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि हमने डबल लाइन ड्रा करनी है, डबल लाइन ड्रा करने के लिए हमें किसी मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो इक्वल टू का सिंबल होता है इसको तीन बार प्रेस करेंगे। इसको जैसे तीन बार प्रेस करेंगे उसके बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे आप देख सकते हो कि आपके सामने जो डबल लाइन है वो ड्रा हो गई है। एक और ट्रिक है, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम एक जिग जैग लाइन ड्रा करना चाहते हैं, जिग जैग लाइन ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कीबोर्ड पे टिल्ड सिंबल होता है। टिल्ड सिंबल कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर वन की लेफ्ट साइड पे और एस्केप की के बिल्कुल नीचे। इस सिंबल को हमने तीन बार टाइप करना है। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपके सामने जो जिग जैग लाइन है वो बन के नजर आ जाएगी। इसी तरह चौथा ट्रिक है कि अगर हम डॉटेड लाइन को ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉटेड लाइन के लिए भी हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई का सिंबल है, स्टार का सिंबल है, इसको तीन बार टाइप करेंगे और जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे आप देख सकते हो कि आपके सामने डॉटेड लाइन बन के आ जाएगी। लास्ट ट्रिक है मेरा कि हाउ टू ड्रा थिक लाइन, कि अगर आप चाहते हो कि थोड़ी मोटी लाइन ड्रा करनी है तो वो कैसे करोगे। मोटी लाइन ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, हैश का सिंबल तीन बार डालेंगे। हैश के सिंबल जैसे तीन बार एंटर करेंगे उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करो तो आप देख सकते हो कि आपके सामने थिक लाइन ड्रा हो जाएगी। बुलेट्स एंड नंबरिंग आप सभी ने एमएस वर्ड में यूज की होगी। अगर हम बुलेट्स या नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब के अंदर ये हमें बुलेट्स नजर आ रही हैं, इनमें से हम किसी भी बुलेट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ से नंबरिंग भी ले सकते हैं कि जिस टाइप की नंबरिंग हम लगाना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। वो चाहे नंबरिंग भी हो सकती है या रोमन में हो सकते हैं या अल्फाबेट्स में हो सकते हैं। अब मैं इस डाटा को अगर मूव करना चाहता हूँ तो ये ऊपर मुझे एक छोटा सा स्लाइडर नज़र आ रहा है, इसको जब मैं मूव करूँगा तो आप देख सकते हो कि साथ साथ जो डाटा है वो मूव होता जाएगा। अगर पीछे आना है तो पीछे ऐसे आएंगे, लेकिन डाटा सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस डाटा को कीबोर्ड की हेल्प से मूव करना है तो देखो डाटा आगे जा रहा है। अगर पीछे करना है तो कीबोर्ड की हेल्प से पीछे भी आ सकता है। अगर हम डाटा को आगे मूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से हम जो की प्रेस करेंगे उसको बोलते हैं टैब की। जैसे ही हम टैब की प्रेस करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, टैब की प्रेस करेंगे ये डाटा आगे आगे मूव करता जाएगा। अगर पीछे करना है तो पीछे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे करने के लिए डाटा मूव करने के लिए मैं यूज करूंगा शिफ्ट प्लस टैब की। कौन सी की यूज करूंगा, शिफ्ट प्लस टैब की। आगे जाने के लिए टैब की और पीछे आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब की। ये तो हो गया कि हम माउस की हेल्प से बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं, और बुलेट्स वाले डाटा को अगर आगे पीछे करना है तो मैंने आपको कीबोर्ड माउस दोनों से बता दिया है। डाटा को मैं फिलहाल इरेज कर देता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैंने सारे डाटा को इरेज कर दिया, मैं चाहता हूं कि मैं नंबर लगाना चाहता हूं कीबोर्ड की हेल्प से। अगर नंबर्स लगाने हैं तो सबसे पहले आपने लगाना है वन, वन के बाद लगाना है डॉट। डॉट लगाने के बाद जैसे ही आप स्पेस की प्रेस करोगे तो आप डाटा लिख सकते हो, जैसे CPU, इनपुट डिवाइसेस, जो भी आप डाटा लिखना चाहते हो यू कैन राइट। अगर मैं चाहता हूं कि 1, 2, 3 की जगह पे, इसकी जगह पे मैं कीबोर्ड की हेल्प से कैपिटल ABC लिखना चाहता हूं, मैं पहले लिखूंगा कैपिटल A उसके बाद डॉट देन स्पेस। इसी तरह अगर आपने छोटी ABC लिखनी है, छोटी A उसके बाद स्पेस। अगर आप चाहते हो कि रोमन में लिखना है तो
तो रोमन में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी आई फिर स्पेस, ये देखो, फिर एंटर करोगे तो खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया? क्योंकि मैंने डाटा नहीं लिखा। इसके लिए डाटा लिखना जरूरी है। अगर आप डाटा नहीं लिखोगे तो वो खत्म कर देगा। अगर हम दो बार एंटर की प्रेस करते हैं तो उससे भी जो डाटा खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम अगर छोटी ए बी सी जाते हैं तो छोटी ए लिख के स्पेस। इससे क्या हो बोल रहा है कि आपके जो मतलब कि नंबरिंग है, चाहे वो रोमन में है, चाहे न्यूमेरिक में है, चाहे अल्फाबेट्स में है, वो सामने आ रही है। अब हम बुलेट्स को अगर ट्राई करना है तो बुलेट्स को ट्राई करने के लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं? ये बुलेट्स पे। जो बुलेट आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, जैसे इनपुट आउटपुट मानो स्टोरेज। अब मैं चाहता हूँ कि जो काम मैंने कीबोर्ड से किया है इसी काम को अब मैं सॉरी माउस से किया है उसको कीबोर्ड से करना चाहता हूँ। कीबोर्ड से करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको बुलेट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, स्टार सिंबल प्रेस करता हूँ। स्टार सिंबल प्रेस करने के बाद जैसे ही आप स्पेस की प्रेस करोगे, ये देखो ये कौन सी बुलेट आ गई है, ये वाली बुलेट आ गई है। क्या करना है फिर से देख लो। सबसे पहले हम स्टार की प्रेस करेंगे, उसके बाद स्पेस। अगर हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन सिंबल लगाया, अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसी बुलेट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन लगा के स्पेस की प्रेस कर देता हूँ, इससे ऐसी बुलेट नजर आ जाएगी। अब मैं डालता हूँ हाइफन। हाइफन बोलते हैं माइनस सिंबल को। अगर मैं माइनस सिंबल एक बार डालता हूँ तो क्या होगा, स्पेस बार प्रेस करूंगा तो क्या होगा, जो हाइफन सिंबल है उस टाइप की जो बुलेट है वो नजर आएगी, आप देख रहे हो। इसी तरह हाइफन की तरह ही अगर मैं क्या करता हूँ कि दो बार हाइफन डाल देता हूँ तो आप देखो तो क्या होगा, दो बार हाइफन डाल के जैसे ही मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो क्या हो गया, उससे ये स्केयर वाली बुलेट आ गई। फिर देखो कैसे किया मैंने, हाइफन वन हाइफन टू, जैसे स्पेस बार प्रेस किया तो ये वाली बुलेट आ जाएगी। अब मैं माइनस का सिंबल डाल के उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल डालता हूँ, जैसे ये सिंबल डालने के बाद मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हो तो एक डार्क एरो नजर आ जाएगा। अब एक और टाइप की बुलेट है, अगर मैं इक्वल टू का सिंबल डाल के ग्रेटर देन का सिंबल डालता हूँ और जैसे स्पेस बार प्रेस करूंगा तो एक हमारा एरो नजर आ जाएगा, लेकिन ये लाइट एरो होगा, ये डार्क एरो नहीं होगा। तो ये आपको आज क्या है बताया मैंने, आज मैंने बताया कि बुलेट और नंबरिंग अगर आपने कीबोर्ड से यूज करनी है तो वो कैसे करोगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।